पंजाब में एक बीमारी तेजी से फैल रही है। बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा है। आज लोगों के माइंड में ये बात बहुत अच्छे तरीके से उतर चुकी है कि अगर आपको फेमस होना है तो आप ईसाई लोगों को टारगेट करो, ईसाई मिशनरीज को टारगेट करो, तो आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज जो भी है वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन हमारी एक बहन है जिसका नाम है निकिता ठाकुर। वीडियो में शुरुआत में भी आप लोगों ने छोटा सा एक क्लिप देखा होगा, एंड उस बहन का एक वीडियो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रहा है, जो कि पंजाब के सिख लोगों को किस प्रकार से ईसाई लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर उस बहन ने बनाया था। तो कुछ बातें उस वीडियो में मैंने देखी थी जिन बातों का मैं रिप्लाई इस बहन को देना चाहता हूँ। अदरवाइज वो उसका ओपिनियन है, जो उसको लगता है वो उसकी राय है, बट जो बातें सही नहीं हैं, जो बातें इस बहन ने गलत बोली हैं, मैं गलत के विरुद्ध में हूँ, क्योंकि मैं एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। 3 साल से मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। जो चीज़ें मैंने रियलिटी में अपनी आंखों से देखी हैं और जो मैं अपनी लाइफ में अनुभव कर चुका हूँ, उन बातों को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। देन आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर चाहिएगा, एंड बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होने में मदद करेगा। एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में। सो उस बहन की कुछ क्लिप्स देखते हैं, फिर उसके बाद में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं। सो ऑल आई वॉन्ट टू से, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, इस वीडियो को एक ओपन माइंड से देखो, क्योंकि गलत बात तो गलत है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। और हर धर्म में कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों की वजह से पूरे धर्म का नाम बदनाम होता है। सो देखो, ऐसे मास स्केल पर रिलीजन चेंज करवाने को मिशनरी एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि उनका मिशन ही होता है किसी नए देश में अपने धर्म को फैलाना। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ कोई इंडिया का नहीं है, इसी को फॉरेन में इवेंजलिज्म भी कहा जाता है, जो कि वेस्ट में एक काफी कॉमन प्रैक्टिस है। एंड वेस्ट में भी कैसे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, काफी सारे लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसके बारे में हमने नीचे डिस्कस किया है। अब कन्वर्जन्स के लिए इनकी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी होती है वो है फेक ट्रीटमेंट्स करवाना। आज आप देखोगे तो पंजाब में जगह जगह चर्चेस में चंगाई सभा लगती है, जिसके पर्चे पूरे पंजाब में बढ़ते हैं। इन पर्चों में सभा की तारीख, जगह, समय सब कुछ लिखा होता है, और ये भी बताया होता है कि इन सभाओं में आपको फ्री में खाना मिलेगा। अब आपको इंडिया की जनता को तो पता ही है, इस बात पर लोग हजारों की तादाद में वहां पहुंच जाते हैं और फिर उनके सामने उन्हें जादू चमत्कार दिखाया जाता है। इन सभाओं में गूंगे बोलने लगते हैं, एक हवा के झोंके से आत्मा पवित्र कर दी जाती है। मतलब 45 इयर्स तक जो इंसान अंधा था, उसके आंखों की रोशनी वापस लाना हो, ऑनलाइन कैंसर ट्रीटमेंट करवाना हो, या फिर एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना हो, इन सभाओं में ये सारा चमत्कार, सारा जादू हो चुका है। और सिर्फ सभा में नहीं, ये सारे सो कॉल्ड मिरेकल्स को YouTube, Facebook वगैरह में लाइव स्ट्रीम तक किया जाता है, जिसमें आज मिलियंस ऑफ व्यूज है। Can you believe that? अब ये सब चमत्कार देखकर शायद आपको भी हंसी आई होगी, वैसे भी इनके मीम्स वगैरह बनते रहते हैं, क्योंकि शहरों में ना ऐसे स्कैम्स के बारे में लोगों को ऑलरेडी पता होता है। तो अब आप एक मजबूर और गरीब इंसान के परिवार के बारे में सोचो, जिनको ऐसे स्कैम्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। ऐसे एक इंसान को जब एक उम्मीद बेची जाती है कि उसकी चाहे जो बीमारी हो, चाहे मेडिकल साइंस के पास भी उसका इलाज क्यों ना हो, लेकिन ये लोग उसकी उस बीमारी को एक झटके में ठीक कर देंगे, बस उसे उसका धर्म बदलना है, तो ऐसे सिचुएशन में वो इंसान क्या करेगा? और इन सब चीजों का पूरा फायदा उठाया जाता है। सभा में खाना तो फ्री होता है, लेकिन प्रेयर करने से लेकर पेशेंट को ठीक करने तक सबके लिए हैवी फीस चार्ज की जाती है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उसका उतना बड़ा दाम और उतना मुश्किल हीलिंग प्रोसेस, लेकिन जीरो गारंटी। जैसे एक फैमिली ने इनके चमत्कार को देख के अपनी बेटी का कैंसर ठीक करवाने के लिए वो जलंधर के एक चर्च में गए। चर्च ने सबसे पहले कहा कि अगर बच्ची को ठीक करवाना है तो भगवान से प्रे करने के लिए 80,000 रुपए भरो और सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है, हमारे प्रभु शुद्ध है, पवित्र है, तो उसकी पूजा करो तो आपका सब परिवार स्वस्थ जिएंगे, तो आपकी लड़की का कैंसर भी चला जाएगा, प्रभु सब कुछ कर देंगे। माँ बाप अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए हर चीज के लिए राजी हो गए, लेकिन फिर भी उनकी बेटी की डेथ हो गई, जिसके बाद उस चर्च के पैस्टर ने उसके लिए प्रे करने तक से इनकार कर दिया। हम लोग प्रार्थना कराने गए हैं तो उसने बोले पैसा लगेगा, तो फिर पास्टर प्रार्थना भी नहीं किए, बोतल लड़की खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
और ये मिरेकल का स्कैम कोई नया नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन स्क्रिप्ट के रिसर्च के वक्त जब मैं कुछ इंटरव्यूज देख रही थी तब मनदीप सिंह का एक काफी वियर्ड केस सामने आया। ये हाल ही में वापस सिखिज्म में कन्वर्ट हुए हैं और इनका कहना था कि उनके चर्च के पैशन ने उनकी माँ के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। वो ऐसी झूठी बातों में उन्होंने फंसा लिया कि माता जी आपको आपने मरने के बाद जाके स्वर्ग में राज करना। उन लोगों ने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने इतने अच्छे काम कर लिए कि अब वो सीधा जन्नत जाने वाले हैं, लेकिन अब जब वो जन्नत जाएंगी तो रहेंगी कहाँ? तो एक काम करो माता जी, आप जन्नत में अपने नाम की रजिस्ट्री करवा लो और एक प्लॉट खरीद लो, बस उस प्लॉट के लिए आपको इतने पैसे देने हैं। फिर प्लॉट खरीद लिया तो अब घर बनवा लो, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने। और इतने पैसे देने के बाद भी उनसे कहा गया कि अब आपका घर तो बन गया लेकिन उसका छत बाकी है तो उसके लिए अलग से पैसे दो। फिर मेरी माता को बोला कि आप बहन जी प्लॉट ले लो स्वर्ग में। फिर उन्होंने प्लॉट दवाया, मेरी माता से पैसे लेते रहे, बाद में उन्होंने बोलते कि पैसे दे दो और स्वर्ग में घर बना के दिया मेरी माता को। एक दिन जब मैं चर्च गया तब पास्टर कह रहे थे बहन जी आप और पैसे दो, आपके घर की छत बनना रह गया है। मतलब आप सोचो ऐसे गुमराह करते करते उन्होंने उनसे कितने ही पैसे ऐंठ लिए हैं। पर मान लो अब किसी इंसान की कोई भी मजबूरी नहीं है तो इनके पास एक दूसरा तरीका भी है उनका धर्म बदलवाने का, उन्हें लालच देकर। देखो पंजाब में क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की मेजॉरिटी है, सो अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन स्कूल्स में जो परिवार कन्वर्ट हो जाते हैं ना, स्कूल्स के पास्टर्स उनके बच्चों की फीस में हैवी डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ को तो सिर्फ 200-300 रुपया ही देना होता है। तो थोड़ा फीस में भी फादर बता रहे थे माफी मिल जाती है। हाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है। कितनी मिल जाती है? मिल जाती है काफी, हम सारा 200-300 रुपया दे रहे हैं। इससे एक तो पूरा परिवार इन्होंने कन्वर्ट भी करवा लिया, प्लस फैमिली को ऐसा लग रहा है कि चर्च और पैचर्स की वजह से ही उनके बच्चों को अब एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। दूसरी चीज जिसका लालच बहुत ही कॉमनली पंजाब में दिया जाता है वो है वीजाज दिलवाने का लालच। आप तो जानते होंगे पंजाब में वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली कनाडा जाने का एक बहुत ही बड़ा क्रेज है, और 1991 से अब तक 7.71 लाख लोग विदेश जा भी चुके हैं। इसीलिए आज अगर आप देखो तो आपको कई सिखों के इंटरव्यूज मिल जाएंगे जहां वो खुशी से बता रहे हैं कि जब से वो क्रिश्चियन बने हैं चर्च जाने लगे हैं तब से उनकी तरक्की हुई है और चर्च ने ही उनका फॉरेन का वीजा भी लगवाया है। हिम्मत मिली है चर्च विच जाके कि मैं अपने आप ते खुद ते मान करदी हां कि मैनू रब ने चंगे रस्ते लाया। चर्च विच गए तो रब ने सारे ऑटोमेटिक दरवाजे खोलते, मेरा 10 दिन दे विच वीजा आ गया, मैं बाहर चल गई सी, मेरी सोच तो ऊपर हो गया सारा कुछ। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखना चाहते हो तो इस बहन के चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हो जिसका नाम है निकिता ठाकुर, इसका चैनल का नाम है। तो आप पूरी वीडियो अगर देखना चाहो तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं इस वीडियो के बारे में क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो आप लोग जरूर सुन लीजिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं टोटली मैं कंफ्यूज हो गया, इस बहन की दो बातें मुझे समझ में नहीं आई। एक बात तो इस बहन का ये कहना था कि ईसाई लोग जो पैसा लेते हैं, एंड दूसरा ये भी बात कह रही है बहन कि ये लोग लालच देते हैं, मतलब पैसा देते भी हैं और पैसा लेते भी हैं। एंड मैं यहाँ पे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ इस बहन की बात से। एक मुँह से तो आप ये बात कह रहे हो कि मतलब पैसा ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, तो किस तरीके से आप ये कह सकते हो कि मतलब लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है? जब किसी को लालच देकर आप धर्मांतरण करके अपने धर्म में लेकर आ रहे हो फिर उसको लूट रहे हो, तो क्या वो व्यक्ति मूर्ख है या वो पागल है कि पहले तो वो पैसे लेगा और फिर वो धीरे धीरे पैसा देगा, अपने आप को लुटवाएगा, कैसे हो सकता है? तो इस बात का तो कोई तर्क निकलता नहीं है। बाकी आपका इस बात के ऊपर क्या ओपिनियन है वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। देखो मैं आपको बता दूं कि बाइबल इस बात के विरोध में टोटली कि अगर आप किसी को पैसा देकर या फिर पैसा लेकर किसी से किसी को चंगाई करने का दावा कर रहे हो कि भाई आपको मैं पैसा दे देता हूँ आप मुझे चंगा कर दो, मसीहत की बात कर रहा हूँ, या फिर आप किसी को यह कह रहे हो कि भाई आप मुझे पैसा दो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपको चंगा कर दूंगा आप चंगे हो जाओगे, तो ये शिक्षा टोटली बाइबल के विरुद्ध है। इन बातों के विरुद्ध मैं भी हूं क्योंकि ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें सेंत में दिया गया है, तुम्हें फ्री में दिया गया है तो तुम फ्री में दे दो, क्योंकि प्रभु के अलग अलग वरदान है, वो प्रभु के दासों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके पास कौन सा वरदान है। वो चंगा करने वाला हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, सामर्थ्य के काम करने का वो वरदान भी उसके पास हो सकता है। देन प्रभु ने कभी भी इस बात को ऐसा नहीं कहा कि तुम लोगों से पैसे लेना, प्रभु ने कहा फ्री में दे दो,
तुम्हें फ्री में मिला है। तो ये बाइबल की शिक्षा है। और अब इस बहन का ये भी कहना है कि इनकी जो मिशनरी है वो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम करती है और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से इनकी मिशनरी जानी जाती हैं और ये लोगों को पैसा देकर धर्मांतरण करवाते, एक बहुत बड़े लेवल पर ये लोग काम करते हैं। तो मैं इस बहन को यह कह देना चाहता हूँ कि इनकी मिशनरी का मतलब ये नहीं है कि ये लोग कोई मिशन बनाकर चलते हैं कि जाकर लोगों को टारगेट करना, उनको पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। मिशन ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था कि जाओ सब जातियों के बीच में इस बात का प्रचार करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था मिशन के तहत कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग जो पाप में, बुराई में, अंधकार में अपना जीवन जी रहे थे वे सच्चे परमेश्वर को जान सकें, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक उनका छुटकारा कैसे होगा। तो मिशनरी का मतलब यह है कि ये लोग प्रभु का प्रचार करते हैं, ना कि किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रचार करें। ये बिल्कुल भी बाइबल इसके बारे में नहीं कहती है, बट संसार का इसका क्या देखना है वो हम नहीं बता सकते क्योंकि सबका एक अलग अलग तरीका है देखने का। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी को कहूँ कि भाई आप इतने पैसे ले लो और अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अगर कोई पैसा लेकर आ भी गया आपके धर्म में तो वो कितने दिन रहेगा ये तो कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी चला जाए क्योंकि उससे तो अपने पैसे से मतलब है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को आप अपना पैसा देकर किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करो। और इसका बहन का ये बात भी कहना है कि मजबूरी देखते हैं लोगों की और फिर इनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, मजबूरन इनका धर्म परिवर्तन भी करवाया जाता है एंड इनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है। अब मजबूरी का फ़ायदा ये नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा था कि ए बोझ के नीचे दबे हुए लोगों तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जिन लोगों के पास में उम्मीद नहीं होती, आशा नहीं होती, उन लोगों के पास खुद खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को भेजता है और इस बात के लिए लोग एग्री करते हैं, वो जानते हैं हाँ कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और उसने मेरे जीवन में कार्य किया और विश्वास करते वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मिशनरी चला रहे हो, बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो ताकि लोगों का धर्म परिवर्तन कर सको, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मिशनरी का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाना ताकि लोग अपने पाप से मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिर सके, ये मिशनरी का फुल फॉर्म है। और इस वीडियो के अंदर इस बहन का यह भी कहना है कि ये लोग फेक चंगाई का नाटक करके लोगों को पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और इनका धर्म परिवर्तन करते हैं बहुत बड़े लेवल पर। सो मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ अगर आप चंगाई के नाम पर किसी को ये कह रहे हो कि आप प्रभु यीशु मसीह में आओ और आप चंगे हो जाओगे तो ये सुसमाचार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये नेचर है कि वो चंगा करता है बट वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको चंगा करेगा या फिर नहीं करेगा। और अगर आपका विश्वास बहुत अलग लेवल का है तो प्रभु आपके जीवन में काम कर सकता है, क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियर बाइबल हमें कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा, विश्वास करने वालों को प्रभु ने चंगा किया है। तो वो आपके विश्वास पर डिपेंड करता है कि प्रभु आपको चंगा करे या ना करे। लेकिन अगर आपको चंगाई का लाभ या लालच देकर आपको कहा जा रहा है कि आप मसीहत में आ जाओ तो ये गलत सुसमाचार है, क्योंकि प्रभु ने इसी बात के लिए कहा था जाओ और जगत में इस बात का प्रचार करो कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। तो ये टोटली ये सही सुसमाचार है। और लेकिन अगर आप चंगाई का बहाना बनाकर किसी के पास जा रहे हो तो ये गलत है। हाँ, और ये भी कह दूं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो उसका स्वभाव है, वो चंगा भी करता है, वो चिन्ह और चमत्कार भी करता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अद्भुत गवाहियाँ मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं जहाँ पे कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता ऐसे काम प्रभु यीशु मसीह करता है, वो उसका नेचर है। लेकिन यहाँ पे अगर ये ऐसा होता है कि आप चंगाई का नाम लेकर किसी को मसीहत में ला रहे हो तो वो अगला व्यक्ति चंगा ही नहीं हुआ तो वो प्रभु को छोड़ देगा, ठोकर आ सकती है। सो ये गलत सुसमाचार है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हो तो आप बताओ प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए अपना बलिदान दिया और वो आपके पापों को क्षमा करेगा अगर आप उस पर विश्वास करोगे, वो आपको चंगा भी कर सकता है, वो आपको छुटकारा भी देगा, वो आपको सब कुछ देगा अगर आप उस पर विश्वास करोगे। लेकिन पहले आपको अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आज हर एक पादरी प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है उसका सही तरीके से फॉलो कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ही सेवा कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को ठगते भी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो कहेंगे मैं मसीह और बहुतों को गुमराह कर देंगे। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो चंगाई के नाम पर लोगों को लूटते हैं, हाँ ऐसे भी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो ऐसे से आपको भी बचकर रहना चाहिए। लेकिन हर एक ऐसा नहीं है कि वो आपको चंगाई के नाम पर लूटता हो, वो आपका
धर्म परिवर्तन कर रहा हो, क्योंकि धर्म परिवर्तन अगर मैं आपको पैसे देकर आपको कहूँ धर्मांतरण करना है आपको, तो मेरा उसमें क्या लाभ है भाई, मेरा कोई फायदा नहीं है। तो कोई आपको पैसा देकर आपका धर्म परिवर्तन नहीं करता, लेकिन आपको मसीहत में आने का लालच देकर अगर आपको कहा जा रहा है कि पैसे दे दो आपको चंगा कर देंगे, प्रभु आपको चंगा करेगा, तो ये चीज़ें गलत है, आप ऐसी चीज़ों से बचो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं भी नहीं है कि लोगों को पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करा जाता है और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रभु ने दुखियों के पास में लोगों को भेजा है, जाओ और उनको सुसमाचार प्रचार करो। एंड इस बहन का ये भी कहना है कि कुछ लोगों को तो मतलब मदद की गई है, तो कुछ को तो 200 रुपये में भी काम हो गया, यह भी इस बयान का कहना है। तो मैं आपको बता दूं, मदद करना एक अलग नेचर होता है, वो हिंदू धर्म में भी एक दूसरे की मदद की जाती है, वो मसीहत में भी होता है, वो सिख धर्म के अंदर भी होता है, वो अदर जो धर्म है उनके अंदर भी मदद करना इंसान का स्वभाव है। अब मैं किसी की मदद कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए उसकी मदद कर रहा हूं। मदद करना इंसानियत है, लेकिन मदद करके आप किसी को बोल रहे हो धर्मांतरण कर लो, ये गलत है। और मसीह लोग ऐसा कभी भी नहीं करते जो सच्चे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। क्योंकि आप किसको क्यों पैसे दोगे भाई, किसी को क्यों पैसे दोगे, अपना पैसा किसी को देकर आप क्यों उसका धर्म परिवर्तन कराओगे। तो मदद करना ये नहीं हो सकता कि आप किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड इस बहन का पूरा वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। एंड जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।